हे गाइस, आज मैं खीर बनाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चावल ले लिया है, बहुत ही थोड़ा सा लिया है, कोई भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने पानी डालकर इसे रख दिया है, अब ये फूल चुका है। तो अब हम इसे, ये देखिए, ये हाथ से टूट जा रहा है ना, बस इसे हमें आधे घंटे तक भिगोना है, उसके बाद हमें इसका पानी हटा देना है। तो ये मैंने पानी हटा दिया है इसका, और इसे अब हम हाथों से ना इस तरीके से तोड़ देंगे, इस तरीके से इसे तोड़ कर छोटा छोटा कर देना है। जिस तरीके से मैं इसे तोड़ रही हूँ ना, उसी तरीके से आप भी इसे तोड़ लीजिएगा। खीर का नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है ना, तो बस इसलिए मैं आज आपके लिए खीर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, कुकर रखेंगे गैस पर, उसमें डाल देंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, ये आप देख रहे हैं ना, इसमें मलाई भी है। बस अब हम इसे उबाल लेंगे। इसे उबलने देंगे हाई फ्लेम पे, ये देखिए ये बॉयल हो रहा है। अब इसे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, अब इसे दूध को पकने देंगे थोड़ी देर तक, लगभग 5 से 10 मिनट तक इसे पकने देंगे दूध को मीडियम फ्लेम पे, और इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे जिससे जो क्रीम है वो किनारों पर लगे ना। आपने कभी कुकर में खीर बनाई है? नहीं बनाई तो आज ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, जिस तरीके से मैं इसे किनारों से हटाती हूँ ना, इस तरीके से हटा रही हूँ, उस तरीके से आप भी किनारों से मलाई को हटाते रहिएगा। दूध गाढ़ा भी हो रहा है, बस मलाई को किनारों पर लगने नहीं देना है हमें। खीर बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बनती बहुत अच्छी है खीर। तो आप जब भी बनाएं, थोड़ा टाइम लेके बनाएं। दूध को हमें पकाना है, चावल भी पकाना है। तो इस तरीके से पहले दूध को 5 से 10 मिनट के लिए हम पक जाने देंगे मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए जिससे दूध। ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। अब ना हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, आपके पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप डाल दें। मैंने बादाम को लंबा लंबा कट करके डाला है, आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस हिसाब से काट कर डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे इसमें, इसे थोड़ी देर और बॉयल करेंगे। ये देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने तोड़ कर रखा था, भिगा कर रखा था, उसे डालकर और इसे हम चलाएंगे। चीनी को हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा अगर आप अभी इस के हिसाब से चीनी ऐड करेंगे इसमें, तो इसलिए हम चीनी लास्ट में डालेंगे। तो अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि चावल पक ना जाए। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, संभाल के करना है जिससे ये गिरे ना दूध, अगर आप हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो। बस इसी तरीके से हमें इसे बॉयल कर लेना है। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे ना, तो आपको कभी खीर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको भी तब से खीर बनाना आसान लगने लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। तो ये आप देख रहे हैं ना, मैंने इसे पका लिया है एकदम अच्छे से। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को डालें इसमें। मैंने यहाँ पे लगभग 10 से 12 चम्मच चीनी डाला है इसमें। ये देखिए, यहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे छोटी इलायची, उसे मैंने बारीक कूट लिया है, उसे कूट कर डालेंगे,
उससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। बस इसे मिक्स करेंगे और चीनी तो आपको पता ही है थोड़ी देर में ही एकदम मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए, अब ये जितना गाढ़ा हो रखा है ना, बस हमें उतना ही गाढ़ा चाहिए। चीनी डालने के बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये अभी मैं इसे पका रही हूँ, लेकिन अब मैं इसका फ्लेम बंद करूँगी। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे एक बोल में निकाल लेंगे और ये आपकी खीर बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।